स्वागत है आपका बदायूं शिखर में और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में बागपत में भी मतदान जारी है। बागपत में अब तक 3 बजे तक बागपत में 38%, बड़ौत में 40% और छपरौली में 39% मतदान होने की खबर है। सबसे पहले सतपाल सिंह प्रत्याशी ने वोट डाले। वह अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे और मतदान बूथ पर पहुंचकर उन्होंने वोट डाला। दो जगह से मशीन खराब होने की खबर आ रही है, जिससे वोटरों ने कुछ देर हंगामा किया। वहीं कई बूथों पर महिलाओं और पुरुषों की लाइनें लगी हुई हैं, तो कहीं कहीं मतदान धीरे चल रहा है। अब तक के 3 बजे तक का कुल मतदान औसत 41% है। वहीं चुनाव आयोग की व्यवस्था को देखते हुए आप उत्साह महसूस करते मतदाता नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। वहीं मतदान करने जा रहे व्यक्तियों के ऊपर फूलों से बरसात और बैंडबाजों से स्वागत भी किया जा रहा है। चलो जी चलो जी, वोट कास्ट करके आए एक बार। शान दिखा दीजिए, शान दिखा दीजिए, ले जी तोड़ेगा क्या आप लोग एक साथ बता दीजिए। फिंगर फिंगर हाँ दिखा दिए, फिंगर भी देखिए, लेफ्ट साइड भी देखिए। कितना भरोसा है आपको इस बार सर? कितना आश्वस्त है सर, कांटे की टक्कर है, विपक्ष एकजुट हो गया है। देखिए बागपत की जनता ने यह तय किया है, बागपत के जनता, बागपत के नौजवान अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि सांसद का काम विकास करना भी है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने महसूस किया कि वोट डालने की आज़ादी भी कोई चीज़ होती है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने महसूस किया कि अपने प्रतिनिधि से कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। मेरे आने से पहले यहाँ के लोग आज तक अपने सांसद से ये प्रश्न नहीं पूछ पाए कि आप हमारे बीच में आते क्यों नहीं आते, हमारे लिए को काम क्यों नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने अपने क्षेत्र को सबसे पहले मैंने आज़ादी दी है, बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, प्रश्न पूछने की आज़ादी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सांसद विकास कर सकता है। मैंने 5 वर्षों में जितना काम किया, मैं 50 काम गिनवा सकता हूँ 5 वर्षों के। पिछले वाले लोग पिछले 50 साल के 5 काम नहीं गिनवा सकते। ऐसे लोगों ने तय कर लिया है, बागपत के लोगों ने तय किया है, यहाँ के नौजवानों ने तय किया है। वो परिवारवाद के साथ नहीं, वो देश के साथ, राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। वो भावना के साथ नहीं, वो भविष्य के साथ खड़े हैं। जिन लोगों को गुमराह किया जाता रहा, दशकों तक जिनको गुमराह किया जाता रहा, इनको गुमराह नहीं किया जा सकता। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हैं, यहाँ के नौजवान अभी समझदार हो चुके हैं और इसलिए उनको बहकाया नहीं जा सकता। वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और हमारी भारी बहुमतों से यहाँ जीत होगी जी। आपको लगता है सर, आज ही जिस तरह से संजीव बालियान वहाँ पर बोल रहे हैं कि जो है बुरके में आ रही हैं, कई वोटर बोगस हो सकते हैं, ये चेहरा नहीं देखा जा रहा है, ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, माना जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी में पोलराइजेशन का कार्ड फिर से खेला जा रहा है। देखिए, मैं ये निवेदन करूंगा सभी लोगों को, जाति और मजहब से ऊपर उठ करके देश के लिए वोट करना चाहिए। और इसलिए ये प्रशासन का काम है, हमारे चुनाव अधिकारियों का काम है कि ईमानदारी के साथ वोट हो, कोई फर्जी वोट ना हो। इसलिए जो है पूरी उसमें तहकीकात की जाए, पूरा उसमें ध्यान रखा जाए। सत्यपाल जी, एक सवाल, एक पटका गमछा डाल के आप आए थे, उस पर कमल चिन्ह बना हुआ था, ये क्या पोल कोड का वायलेशन नहीं है? कहा जब बाहर उतार दिया मैंने, कहा बाहर उतार दिया। अरे भाई, बूथ पे घूमने घुसने पहले उतार दिया मैंने, बाहर उतार दिया था वो सब। मैम आपका कहेंगे इस मौके पर, कितना बड़ी चुनौती है आप? चुनौती ना कुछ भी जीत हो रही है, चुनौती तो 5 साल से सांसद जी यहाँ लोगों के बीच में रहे हैं और उनके लिए विकास का काम किया है, तो लोग सब समझते हैं कि उनको अपने भविष्य के लिए क्या चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग
कमल के फूल पे बटन दबाएंगे और सांसद जी को विजयी बनाएंगे। हमने तो आजादी के बाद अभी पहचाना जी अपने क्षेत्र को 50 साल से।